स्वास्थ्य विभाग में बहाली निकली है, कई एक तरह की बहाली जो है महागठबंधन की सरकार ने निकालने का काम किया है। देखिए अगर हमको देना रहेगा तो हम तो 10 में 10 ही देंगे। देखिए अगर सरकार चलती है तो कुछ ना कुछ बातें होती रहती हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि अन्य राज्यों में जहां पे सरकार रहा है तो वहां पे मंत्रियों का इस्तीफा नहीं हुआ है। बिहार में महागठबंधन सरकार के आज एक साल पूरे हो गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मंत्री जयंत राज हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज महागठबंधन सरकार के एक साल पूरे हो गए हैं, कैसे देखते हैं इस महागठबंधन की सरकार को, एक साल की कामयाबी को? देखिए सर्वप्रथम तो महागठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी लोगों को मेरी तरफ से बधाई है कि एक साल हम लोगों ने बड़ी अच्छी तरीके से गुजारा है और आने वाले चुनाव में महागठबंधन की सरकार 2024-25 में हम लोग बड़ी मजबूती से विजय होंगे और भाजपा को हम लोग बिहार से और देश से हम लोग हटाने का काम करेंगे। और एक साल के दरमियान में युवाओं के लिए रोजगार की भी जो बात हुई थी उस पर भी हम लोग काफ़ी हद तक हम लोगों को सफलता मिली है। शिक्षकों की बहाली निकली है, स्वास्थ्य विभाग में बहाली निकली है, कई एक तरह की बहाली जो है महागठबंधन की सरकार ने निकालने का काम किया है। और आने वाले समय में जो भी बहाली जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे तो उसको भी हम लोग करने के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं और जल्द ही लोगों को। आपको क्या लगता है कि एक साल में आपकी सरकार कितना कामयाबी हासिल की है, आप 10 में से अपनी सरकार को कितना नंबर देंगे? देखिए अगर हमको देना रहेगा तो हम तो 10 में 10 ही देंगे, लेकिन अगर आम पब्लिक के अनुसार भी देखा जाए तो बड़ी मजबूती से सरकार ने काम किया है। ये पिछड़ों की सरकार बनी है और आम लोगों की जो सरकार बनी है इस बार बड़ा अच्छे तरीके से काम हो रहा है। जो सड़क के मामले में अपना अलग काम हो रहा है, हम लोगों के विभाग में भी एक से एक काम हो रहा है। मुख्यमंत्री जी का जल जीवन हरियाली अभियान भी जो है बड़ा अच्छे तरीके से चल रहा है। और आप एक चीज़ देखिएगा कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट में भी इस बार आया है कि बिहार में दूध का उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ा है, अंडा का उत्पादन तेज़ी से बढ़ा है, तो इससे रोजगार के अवसर भी मिले हैं। और देश में बिहार जो है गरीबी को घटाने वाले राज्यों में सबसे आगे रहा है, ये बड़ी खुशी की बात। आखिरी दो सवाल लेंगे हम आपसे मंत्री जी कि देखिए एक साल आपकी सरकार चली है अभी तक और इस एक साल में कई बार ऐसा हुआ है कि सरकार की किरकिरी हुई है, चाहे दो दो मंत्रियों का इस्तीफा होना हो या फिर कई बार मंत्री और अधिकारी के बीच में विवादों को लेकर, इसको कैसे देखते हैं? देखिए अगर सरकार चलती है तो कुछ ना कुछ बातें होती रहती हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि अन्य राज्यों में जहाँ पे सरकार रहा है तो वहाँ पे मंत्रियों का इस्तीफा नहीं हुआ है, तो ये तो सामान्य प्रक्रिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो है बड़ा काम को मतलब अच्छे तरीके से देखते हैं, तो कहीं अगर कुछ तरह का बात होता है तो उसमें अलग तरह से कार्रवाई होती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उससे ना महागठबंधन के सरकार पर कोई असर पड़ेगा। अगर कोई बात हुई है तो उस पर तुरंत अंदर सब कुछ ठीक है। आपको ये मानते हैं कि अधिकारी और मंत्रियों के बीच में खींचातानी चलती है आपके महागठबंधन की सरकार में? अंदर भी सब कुछ ठीक है और बाहर भी सब कुछ ठीक है। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज थे, सरकार के एक साल पूरे होने पर उनसे बातचीत कर रहे थे। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना में।